गढ़ बावत्रा में केवे माता मंदिर का 10वां वार्षिक ध्वजारोहण धूमधाम के साथ मनाया। लाभार्थी परिवार ने किया ध्वजारोहण। गढ़ बावत्रा में दैया राजवंश की कुलदेवी केवे माता मंदिर का 10वां वार्षिकोत्सव साधु संतों के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव को लेकर केवे माता की प्रतिमा विशेष श्रृंगार किया गया तथा मंदिर प्रांगण की फूल मालाओं से आकर्षक सजावट की गई। साथ ही सवेरे से ही मंदिर परिसर में दैया समाज बंधुओं का पारंपरिक वेशभूषा में सज्जित कर आना शुरू हो गया था, जो मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए। इसके बाद ढोल धमाकों के साथ साधु संतों के सानिध्य में लाभार्थी परिवार सैल सिंह दीप सिंह दहिया स्वरव द्वारा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए व श्रद्धालु माता जी के जयकारे लगा रहे थे। वहीं यज्ञ मंडप में पंडितों के आचरित्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विश्व मंगल की सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही लाभार्थी परिवार द्वारा आहुतियाँ दी गई। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर प्रसादी का भोग लगाकर खुशहाली की कामना की। इस मौके महाप्रसादी का आयोजन किया गया व मेला भी लगा, जिसमें हाट बाजार लगे, लोगों ने जमकर खरीदारी की। क्षेत्र भर के बड़ी संख्या के समाज बंधु मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर कमेटी के उग सिंह दैया, नकुल सिंह, चंद्र सिंह, बलवंत सिंह, लाल सिंह भुंडुआ, प्राण सिंह बावत्रा, भल सिंह पुनराव, सगन सिंह, व्रज सिंह सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के ओम सिंह सांदरई ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान ओम सिंह सांदरई का मंदिर कमेटी द्वारा भव्य बहुमान किया गया। वहीं वार्षिकोत्सव को लेकर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ओम प्रजापत ने एक से बढ़कर एक माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी।